नमस्कार दोस्तों, पीकेआर स्टडी ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एलटी बायोलॉजी 2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं अपने पेपर पर। सबसे पहले हम जूलॉजी के सेक्शन को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक अम्ल और राइबोसोम। तो इसका सही आंसर है कार्डियोलिपिन। और हमारा नेक्स्ट है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है 32 का ए, एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। और 33वां है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसका सही आंसर है जे बी लैमार्क। और हमारा 34वां क्वेश्चन है, यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों तो इस स्थिति को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है युग्मन अथवा सिस फेज, 34 का ए, कपलिंग और सिस फेज। और 35 का क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था। तो सही आंसर है 35 का सी, गार्डन पी। और 36वां क्वेश्चन है, ओस्टर्स काम्स एंड मसल्स आल बिलोंग टू, तो इसका सही आंसर है बाइवेल्विया, 36 का बी। और 37वां क्वेश्चन है, दीमकों की आहार नाल में पाया जाने वाला प्राणी कसाबी होते हैं। तो इसका सही आंसर है सहजीवी या सिम्बियोंट, 37 का बी, 37 का बी सहजीवी। और 38 का, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसका कन्फ्यूजन है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। 39, साइकन में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन इन साइकन अकर्स, तो इसका सही ऑप्शन है 39 का बी, स्पंज गुआ के अंदर। और 40 का है, निम्नलिखित में से कौन एक परात्पर जीवी है, निम्नलिखित में से कौन एक परात्पर जीवी है, तो इसका सही ऑप्शन है 40 का बी, सेकुलाइना, सेकुलाइना। और हमारा 41वां क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची एक में है डेंगू बुखार, हाथी पाव, कालाजार, निद्रा रोग। सूची दो में है फ्लीबोटमस एडिस एजिप्टी, ग्लोसिना और क्यूलेक्स फैटी गैंस, तो इसका सही ऑप्शन है 41 का बी, 41 का बी। और हमारा 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है, तो इसका सही आंसर है एंट अमीबा जिंजी वैलिस, 42 का ए, एंट अमीबा जिंजी वैलिस। और हमारा 43वां क्वेश्चन है, विखंडन मीन्स फिजन जो प्रजनन की एक विधि है समानता निम्न में से किसमें पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है 43 का ए, प्रोटोजोआ। और हमारा 44वें का है, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, तो इसका सही आंसर है डिप्लॉयड मीन्स द्विगुणित, द्विगुणित, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक द्विगुणित होता है। 45वां है, निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, तो इसका सही आंसर है 45 का बी, एस्कैरिस। 46 का है,
स्टेरियासिस या तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है? तो इसका सही ऑप्शन है 4680, मेड्रोपोराइट तथा रिंग कैनाल को, मेड्रोपोराइट तथा रिंग कैनाल को 47वें का है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चिम्बुकास्थि का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबल्स? तो इसका सही आंसर है मस्का, 47 का ए, मस्का। मोलस्क पुनर्जनित कर सकते हैं, मोलस्क में रीजनरेट, तो इसका सही आंसर होगा नेत्र, पैर, सिर के अंश या उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर है 48 का डी, उपयुक्त सभी। और हमारा 49 का है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है खटमल गोनोरिया, 49 का डी। ल्यूकोसोलेनिया की 50वां मारक है। ल्यूकोसोलेनिया की देहभित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो इसका सही आंसर है बी, 50 का बी, पिनेकोसाइट्स, कोनोसाइट्स, अमीबोसाइट एंड निफ्लोसाइट्स। और हमारा 51 का है, लोवा लोवा द्वारा संचारित संक्रमण का संवाहक होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कास्ड बाई लोवा लोवा इज थ्रो? तो इसका सही आंसर है 52 का ए, क्राइप्सस प्रजाति, क्राइप्सस प्रजाति। 53 का है हमारा, पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्त का स्पंदन करती है? द पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट। तो इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है 53 का ए, स्लोअर देन द एंटीरियर वैक्यूल्स। हमारा नेक्स्ट है 54 का है, कौन सी धमनी मध्यपट को रक्त प्रदान करती है? मीन्स विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द डायाफ्राम? तो इसका राइट आंसर है ए, मध्यछद, मध्यछद। और हमारा 55 का है, लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है आंसू में, पसीने में, लार में या उपयुक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट हमारा है, गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन है, गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन है HCG, 56 का डी। और 57 का हमारा है, विटामिन ए किसके संश्लेषण को का पुरोगामी है? विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है? तो इसका सही आंसर है 58 का बी, रेटिनिन, रेटिनिन। और 59 का हमारा है, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है? तो इसका सही आंसर है 59 का सी, सीराटोनिन द्वारा। और हमारा 60 का है, कंस्ट्रक्शन सेल्स आर फाउंड इन द, तो इसका सही ऑप्शन है 60 का ए, एंटीरियर पिट्यूटरी। और 61 का है, अस्तनी में अंतःक्षिप्त अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होगी? तो इसका सही आंसर है थायराइड में, एक 61 का डी। और 62 का है, निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के डीपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, कैल्शियम आयन पंप, 62 का सी, कैल्शियम आयन पंप। और 63 का है, निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन एल्फा और बीटा उप इकाई का नहीं बना होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट मेड अप ऑफ एल्फा एंड बीटा सब यूनिट? तो इसका सही आंसर है डी, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। 64 का है, रेनिन का श्रावण होता है, रेनिन का श्रावण होता है, और रेनिन इज सिक्रेटेड बाई, तो इसका सही आंसर है सेल्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स,
या समीपस्थ नलिका में स्थित कोशिकाओं द्वारा? 64 का बी, और हमारा है 65 का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, डाइपेप्टाइड, दो पेप्टाइड आबंध। और 66 का है, वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है वह है? तो 66 का बी, ओजोन। और 67 का, वहन क्षमता क्या है? तो इसका सही आंसर है 67 का बी, व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके वहन क्षमता कहलाती है। और 68 का, जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है फिर तेजी से तथा अंततः स्थायी हो जाती है तो समष्टि वृद्धि चक्र होगा? तो इसका सही आंसर है 68 का बी, यस आकार का। और 69 का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु समताप मंडल में निम्न में से किसमें क्लोरीन क्लोरीन तथा कार्बन में टूटता है? तो इसका सही आंसर है बी, पराबैंगनी किरणों की सक्रियता। और हमारा है 70 नंबर का क्वेश्चन, अंतर्वलन का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है 70 का सी, उत्तरकाल की अंतर कला। 70 का सी। 71 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन? तो आपके ऑप्शन हैं वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, प्लीका, सेमिफ्यूरिस, ईयर मसल्स या एपिग्लॉटिस। तो 71 का डी, एपिग्लॉटिस। और 72 का है, द एज इरेथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड बाई। तो 72 का सही ऑप्शन है ए, प्लीहा और यकृत द्वारा, मीन्स स्प्लीन एंड लीवर द्वारा। 72 का ए। और 73 का है, मेढक के भ्रूणी विकास में कोरक रंध्र बनाता है भविष्य का? तो इसका सही आंसर है 73 का बी, एनस या गुदा। 74 का, कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है? तो इसका सही ऑप्शन है 74 का सी, अधिकोरक तथा मध्य जनन स्तर। और 75 का, निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? तो इसका सही आंसर है 75 का ए, एमनियन या उल्ब। और 76 का है, किराटिन निम्न में से किसके अधिचर्म में नहीं पाया जाता है? मतलब किराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ, आपके ऑप्शन है फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स। तो सही आंसर है 76 का ए, फिश या मीन। और रद के कोष्ठ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित है। और 78 का, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सभी मीन अंडे देते हैं, सभी पक्षी उड़ते हैं, सभी छिपकलियाँ विषैली होती हैं, कोई भी स्तनी विषैली नहीं होती हैं, वाइपर का विष तंत्रिका विषी होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 78 का बी, केवल दो दूसरा सही है, मीन्स सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, ठीक है। और 79 का हम लोग का है, कंचुक डॉटस स्थित होता है, मीन्स ट्यूनिका डॉटस इज लोकेटेड इन द, तो इसका सही आंसर है 79 का ए, टेस्टिस या वृषण में। और 80 का हमारा क्वेश्चन है, अब हम लोग बॉटनी सेक्शन में देखते हैं। बॉटनी सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, द ओवलीफेरस स्केल्स ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग?
मतलब पाइनस का बीजांडर शल्क निम्न में से किसका भाग होता है? तो इसका सही आंसर है मेगास्पोरोफिल या महाबीजाणु पर्ण। और कृत्रिम साबूदाना पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है साइकस से। अब पेलियोबॉटनी शोध संस्थान स्थित है, तो इसका सही आंसर है लखनऊ में। और 94 में हमारा है 94, चीड़ तथा एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। चीड़ तथा एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है यू फोर बी ए सी। 94 का सी, यू4BAC। और सिलिकुला फल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 95 का डी, ब्रेसिका कम्पेस्टिस में सिलिकुला फल पाया जाता है। और हमारा 96 का क्वेश्चन है, सेफ्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म इज या मृत जीवी आवृत बीजी है, तो 96 का है ए मोनोट्रोपा। और हमारा है 97 का है, किस कुल में मीरोसिन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? किस कुल में मीरोसिन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है बी, 97 का बी, ब्रेसी केसी कुल में मीरोसिन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और निम्न में से किसके तने में कार्टिकल संवहन बंडल पाए जाते हैं? निम्न में से किसके तने में कार्टिकल संवहन बंडल पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा में कार्टिकल संवहन बंडल पाए जाते हैं। और 99 का हमारा है, निम्नलिखित पादपों में से किसमें मॉर्फिन नामक एल्कलाइड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 99 का सी, पेपेवर सेमनी फेरम। और 100 का हमारा है, पेपेवर सोमनीफेरम का कौन सा भाग अफीम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? पेपेवर सोमनीफेरम का कौन सा भाग अफीम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है सी, पका कैप्सूल या राइप कैप्सूल। और 101 का है, निम्न में से कौन सा एक कीट बच्छी पौधा है? एक सौ का सही आंसर होगा बी, ड्रोसेरा। और 102 का हमारा है, माहेश्वरी एवं गुहा द्वारा किस पौधे का पराग को संवर्धित किया गया है? माहेश्वरी एवं गुहा द्वारा किस पौधे का पराग को संवर्धित किया गया है? तो इसका सही आंसर है धतुरा इनोक्सिया। 102 का बी, धतुरा इनोक्सिया। और हमारा 103 का है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत होता है, तो उसका सही आंसर है ए, जल। ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत जल होता है। और ओपेंशिया या नागफनी का रात्रि के समय आरक्यू होगा, तो इसका आंसर है ए, 0। और 105 का है, सबसे छोटा साइटोक्रोम है, तो इसका सही आंसर है 105 का डी, साइटोक्रोम सी। सबसे छोटा साइटोक्रोम है साइटोक्रोम सी। और नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन होता है, नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन होता है, तो इसका सही आंसर होगा साइटोकाइनिन। 106 का डी, साइटोकाइनिन। और हमारा नेक्स्ट है 107 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगीकरण नहीं करता है? निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगीकरण नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है 107 का बी, फ्रेंकिया। और 108 का,
ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, तो इसका सही आंसर है बी पाइरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरुविक एसिड होता है। और हमारा 109 का 109 क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन वातावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की योग्यता रखता है? निम्नलिखित में से कौन वातावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की योग्यता रखता है? ऑप्शन आपके हैं एजोला, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, एजोस्पाइरिलम। तो आपका सही आंसर है एजोला, साइनोबैक्टीरियम और एजोस्पाइरिलम, मीन्स 109 का सी, पहला, तीसरा और चौथा। और 110 का है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही ऑप्शन है सी राइबोसोम वास्पोसर्जन से। और राइबोसोम किस अभिक्रिया के स्थान हैं? राइबोसोम किस अभिक्रिया के स्थान हैं? तो इसका सही आंसर है सी प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। और 112 का हमारा है, लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है, लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है, मीन्स सेक्सुअल इनकैपेबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय। तो इसका सही आंसर है ओव्यूल कल्चर या अंडाशय संवर्धन द्वारा, 112 का ए। और हमारा 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूटाजेन है? निम्नलिखित में से कौन सा म्यूटाजेन है? तो इसका सही आंसर है ए नाइट्रोसोगोवानिडीन, नाइट्रोसोगोवानिडीन। और 114 हमारा है, टीएमवी की आनुवंशिकी सामग्री होती है, टीएमवी की आनुवंशिकी सामग्री होती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी आरएनए, टीएमवी की आनुवंशिकी सामग्री होती है आरएनए। और 115 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? निम्नलिखित में से किससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? तो इसका सही आंसर है अल्टरनेरिया सोलेनाई, 115 का भी अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। और सिट्रस कैंकर एक उदाहरण है, सिट्रस कैंकर एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है जीवाणु जनित बीमारी का, 116 का ए, जीवाणु जनित बीमारी का। और 117 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एरेनकाइमा बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 117 का भी, जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स में, जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स में। और 118 का है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ओराबैंकी मरुदूत पौधे या जीरोफाइट प्लांट, ओराबैंकी जीरोफाइट प्लांट, ये सही सुमेलित नहीं है। और 119 का हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पूर्ण रूपेण जड़ रहित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप पूर्ण रूपेण जड़ रहित होता है? तो इसका सही आंसर है सीरेटोफिलम, 119 का सी, 119 का सी सीरेटोफिलम। और 120 का है, हरित गुलबंद योजना किस प्रकार की, हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए किया गया है। और हमारा 121 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य चक्र है? तो इसका सही आंसर है टिड्डा, मेढक, सांप, गिद्ध, मीन्स 121 का बी। और वाहक आरएनए में त्रिक कोडान जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु होता है, वो होता है एयूजी, मतलब 122 का ऑप्शन ए एयूजी। और 123 का है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 123 का सी रॉबर्ट कोच रक्तवर, ये सही सुमेलित नहीं है।
124 निम्नलिखित में से कौन सी विधि डीएनए के एक अमुक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य टुकड़े को शीघ्र और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर है 124 का सी, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। और 125 का है द्विस्तंभी आरएनए पाया जाता है, द्विस्तंभी आरएनए पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है वुंड ट्यूमर वायरस में। 125 का बी, वुंड ट्यूमर वायरस में। और 126 का है उत्प्रेरक जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है जाना जाता है। तो 126 का ए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। 126 का सी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और 127 का है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधे को बनाने में प्रायः प्रयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में प्रायः प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 127 का डी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। 127 का डी। और केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो 128 का सी, जीवाणु में। और 129 का मारा है मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है, मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है, तो इसका सही आंसर है सर्कोस्पोरा। 129 का डी, सर्कोस्पोरा। और एगर एगर उत्पन्न करने वाला सवाल है, एगर एगर उत्पन्न करने वाला सवाल है, 130 का बी, जिलेडियम। 130 का बी, जिलेडियम। और हमारा 131 का है प्रोफेसर एस आर कश्यप थे, प्रोफेसर एस आर कश्यप थे, तो इसका सही आंसर है ब्रायोलॉजिस्ट। 131 का बी, ब्रायोलॉजिस्ट, प्रोफेसर एस आर कश्यप ब्रायोलॉजिस्ट थे। और 132 का है वनस्पति विज्ञान की शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है को कहा जाता है, तो इसका 132 का सही ऑप्शनों का बी, पेलियोबॉटनी या जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। और 133 का है लीनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है, लीनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है द्वि नाम पद्धति। 133 का ए, द्वि नाम पद्धति। 134 का है हमारा गायनोबेसिक स्टाइल एक विशेषता है, गायनोबेसिक स्टाइल एक विशेषता है, ये इसका सही ऑप्शन है लैमिएसी। 134 का डी। और 135 निम्नलिखित में से किस कुल में वक्र सेप्टम तथा फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है? तो ये इसका सही आंसर है सोलेनेसी। 135 का बी। 136 का है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया है, 136 का ए, वाटसन एवं क्रिक द्वारा। और 137 कोहलर एवं माइलस्टीन ने विधि विकसित की, तो इसका सही ऑप्शन है सी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न करने हेतु। 137 का सी। और 138 का है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किनके द्वारा खोजा गया? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एलेक्स जेफरी द्वारा खोजा गया। 138 का ए। और इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है 139 का ए, करोली इरेकी। करोली इरेकी को जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है। 140 का है जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी, तो इसका सही आंसर है लेडरबर्ग एवं टाटम द्वारा। 140 का ए। और 141 का है जीवाणुओं में गुणसूत्री आनुवंशिकी तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र वाह्य आनुवंशिकी तत्व कहलाता है, तो 141 का इसका सही ऑप्शन है सी, पाइलस। और पादप रोग
पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं? प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। तो इसका सही ऑप्शन है दंडाकार या रॉड शेप, 142 का ए, और 143 का हमारा है। इसको माइसिटिस वर्ग के सदस्य समानता कहे जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी थैली कवक या सैक फंजाई, और म्यूरीफॉर्म कनोडिया पाए जाते हैं। म्यूरीफॉर्म कनोडिया आर फाउंड इन, तो इसका सही ऑप्शन है अल्टरनेरिया में, 145 का है। ग्लोब्यूल एवं न्यूक्यूल नामक नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 145 का सी कैरा में। कैरा में ग्लोब्यूल एवं न्यूक्यूल नामक नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। और 146 का है, नील हरी शैवाल किस पौधे में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी पाइनस में। और 147 का है, थैलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन इन, तो इसका सही ऑप्शन है 147 का ए रिक्सिया एवं मार्किंसिया बोथ। और 148 का है, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय जेमी टेक्स प्लेस इन, तो इसका सही ऑप्शन है 148 का बी मार्केंसिया। और 149 का है, सिला जिनेला के राइजोफोर में होता है, तो 149 का है, इसका सही ऑप्शन है मोनार्स स्टील या एक आदि दारुक रंब। और हमारा 150वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लाइकोपोडियम को समानता कहा जाता है? तो लाइकोपोडियम को समानता क्लब मास कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। ओके, थैंक यू।